नमस्कार, मैं हूं जादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान और बॉलीवुड की टाइग्रेस कही जाने वाली एक्ट्रेस कटरीना कैफ लगातार ही इन दिनों काफी ज्यादा खबरों में हैं अपनी फिल्म भारत को लेकर, जो कि आगामी 5 जून को रिलीज होने वाली है। खैर, इसलिए छिंदे सलमान के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान की फिल्म भारत में उनके 20 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र तक के कई सारे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन फिल्म का असली राज खुलना अभी तक बाकी है। और सवाल ये है कि फिल्म में सलमान की हीरोइन बनी कटरीना कैफ भी क्या इसी तरह के लुक्स में नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि अब इस सवाल का जवाब आ गया है। दरअसल सलमान की तरह ही कटरीना भी फिल्म भारत में अलग अलग लुक्स में नजर आने वाली हैं। खबरों के अनुसार उनका किरदार भी 1975 से लेकर साल 2010 तक के बदलाव से गुजरेगा और पहली बार कटरीना फिल्मी पर्दे पर 60 साल की महिला के रूप में दिखाई देंगी। यानी कि फिल्म में जहां आप देखने वाले हैं कि कटरीना कैफ शादी के लिए प्रपोज करती हैं दबंग खान सलमान खान को, जहां सलमान खान के प्यार में डूबती हुई वो आपको नजर आएंगी, तो वहीं इसी बीच डूबती हुई कटरीना सलमान के प्यार में बूढ़ी भी नजर आएंगी आपको। ऐसा भी पता चला है कि कटरीना कैफ और फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर प्रोस्थेटिक और विशेष मेकअप के सिलसिले में एक विदेशी कंपनी भाई से मिले थे, तो वहीं इनसे कटरीना के लुक्स को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी। इस बारे में कटरीना से जब बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात की ना सिर्फ पुष्टि की बल्कि ये भी बताया कि फिल्म भारत में उनके लुक्स के लिए बीते समय की दो मशहूर अदाकारों नफीसा अली और रेखा के लुक्स से मदद ली गए हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि कटरीना ये तक कहती हैं कि इन दोनों महान कलाकारों के बारे में स्पेशल इफेक्ट्स टीम से लंबी बातें हुई। ये दोनों महिलाएं आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। हम सभी ये भी चाहते हैं कि कुमुद का किरदार उम्र दराज होने पर बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखे। आपको बता दें कि कटरीना ही कुमुद का किरदार निभा रही हैं खबरों के अनुसार। फिल्म भारत में कटरीना दिल्ली की एक सीधी सादी लड़की का किरदार अदा कर रही है। इस लड़की का नाम कुमुद है जो कि दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काम करती है। आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत 5 जून को रिलीज हो रही है। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काफी लंबी स्टार कास्ट है और तोहर अब देखना होगा कि आखिरकार ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म क्या कुछ खास कमाल दिखा पाती है, क्योंकि सलमान और कटरीना का करियर इन दोनों इतना खास नहीं चल रहा, इन दोनों की फिल्में इतनी खास नहीं चल रही, तो वहीं इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं और अब इन उम्मीदों पर सलमान और कटरीना कितना ज्यादा खरा उतर पाते हैं ये देखना होगा 5 जून को, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और ऑडियंस इसे अपना रिएक्शन देगी। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।